नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ब्रो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों की जैसे कि आपने पिछली वीडियो में मेरा देखा था, मैंने आपको हार्ड डिस्क से रिलेटेड वीडियो डाली हैं, जिसमें कि आप साटा से पाटा, पाटा से साटा अपने इस कनेक्टर के थ्रू, इस कनेक्टर से आप बना सकते हैं, है ना, और इसको यूज़ में ला सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ कि हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है। ये मेरी एक वर्किंग हार्ड डिस्क है और मैं इसको आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप इसको देखेंगे कि कैसे ये वर्क करती है आपकी हार्ड डिस्क। तो चलिए सबसे पहले अपन इसको ओपन कर लेते हैं। पहले आपको पूरे स्क्रू जो है ओपन कर लेने हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नई नई वीडियोस मैं बना के ऐसे डालते रहता हूँ, तो प्लीज़ आप बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ये वाला जो पेज है आपका, इसको एक्यूलेटर जो एक्सेस होता है पॉइंट, ये है आपका, ठीक है। और ये जो आपका लगा हुआ है पॉइंट, ये आपका स्प्लेंडर जो इसको कहते हैं, आपका जो मोटर होती है इसकी, जो डिस्क आपकी इस पर कसी होती है, वो यहाँ एक पेच लगा होता है। इसको आपको खोलना है और इसके बाद देखिए ये मैंने आपको ऑन कर दिया है। ये भी हार्ड डिस्क बंद है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि जब हार्ड डिस्क आपकी बंद होती है तो ये जो इसका मतलब जो कह सकते हो हेड का जो स्टेशन है वो यहाँ रहता है, ठीक। ये आपकी जो पूरी है ये डिस्क है आपकी, और ये आपका जो हेड है, ये आपका हेड है। ये इसके बाद इसका हेड का जो आर्म होता है वो बना हुआ है, प्लस ये जो आपके हेड आगे है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको रीड एंड राइट हेड बोलते हैं। और ये एक एक्यूलेटर आर्म कहलाती है ये वाली आपकी। और ये जो पोर्शन है आपका, ये एक्यूलेटर पूरा एक्यूलेटर कहलाता है, ठीक। ये जो मैंने आपको बताया था ये एक्यूलेटर एक्सेस कहलाता है, ठीक है ना। और ये आपका जो है प्लेटर है, ये पूरा जो इसको जो आप सीडी के रूप में देख रहे हैं, ये प्लेटर कहलाता है आपका। और ये एक्सपेंडर कहलाता है, जिसकी ये मोटर नीचे लगी हुई है, ये पूरी एक्सपेंडर कहलाती है, जिसकी ये आपकी ये पूरी सीडी मूव करती है। तो दोस्तों ये छोटा सा जानकारी थी हार्ड डिस्क के बारे में। अब मैं इसको आपके सामने ऑन करता हूँ। इसके पहले ये जो मैंने आपको बताया था, ये आपको इस तरह का जो है मार्केट से मिल जाएगा, वो आप इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को काम कर सकते हैं। जैसे कि सर ये मेरी जो पुरानी हार्ड डिस्क है और ये पाटा हार्ड डिस्क है, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद ये आपका जो कनेक्टर आता है, इसमें आपको लगा देना है, ये पाटा में लगा देना है इसका कनेक्टर को आपको। ये आपका जो है पिन देख के लगाना है आपको, कोई पिन छूट ना जाए। लगाने के बाद जो इसका जो पॉइंट है, एंड पॉइंट, ये आपको अपने कंप्यूटर्स पे लगा देना है या लैपटॉप पे, जहाँ आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक। और इसके बाद ये जो कनेक्टर है आपका, इसको हटा देना है, क्योंकि अपन को तो इसको पाटा है, तो ये इस साटा वाला हटा देना है। इस कनेक्टर को आप जो है डायरेक्ट अपनी हार्ड डिस्क पर लगा देंगे। देखिए दोस्तों मैं लगा रहा हूँ और ये इसके बाद ऑन होगी आपकी। ये देखिए ये आपका हार्ड डिस्क ऑन हो गया है। ये देखिए हेड आपको मूव कर रहा है और ये आपका चालू है। ये देखिए ये इसने एक्सेस करना शुरू कर दिया है, हेड आपका वर्क कर रहा है, देख रहे हैं ये हेड वर्क कर रहा है। और मैं आपको इसके बाद सीधा मशीन पे ले चलता हूँ। इसके आप विंडो के एक्सप्लोर में जाएंगे, इसको ऑन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ऊपर एक्सेस आ गया है। ये देखिए अपना डाटा रीड हो रहा है। नीचे मैं आपको हार्ड डिस्क दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपका जो है हेडर काम कर रहा है, प्लॉटर घूम रहा है और ये आपकी हार्ड डिस्क रीड कर रही है। ये डेटा जो आपके सामने आ रहा है दोस्तों, मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। देखिए ये हार्ड डिस्क था, यहाँ क्लिक करा तो ये आपके हार्ड डिस्क का डेटा शो हो रहा है। और आप नीचे देख रहे हैं हार्ड डिस्क पूरी लाइव है कि आपकी हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको जो हेड है ये मूव कर रहा है पूरा बकाया,
तो ये हार्ड डिस्क आपकी वर्क कर रही है। इस तरह से आपकी जो हार्ड डिस्क पूरी रीड करती है। लेकिन मेरा मकसद आपको ये था कि जो आप लाइव मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हार्ड डिस्क आपकी वर्क कैसे करता है इंटरनली, वो मैंने आपको इसमें वीडियो में दिखाया कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो इंटरनली कैसे वर्क करती है। ये आपका प्लेटर पूरा मूव कर रहा है और ये हेड आपका देख रहे हैं कि रीडिंग चल रही है इसकी, है इस तरह से आपका जो है हार्ड डिस्क रन करता है। कुछ आते हैं आप देख रहे होंगे कि ये हेड ये रीड कर रहा है, ये प्लेटर आपका इसका पूरा वर्क कर रहा है और ये पूरा मूव कर रहा है। देखिए आप जिस तरह से ये इसके आरपीएम घूम रहे हैं, तो इसीलिए आपने देखा होगा जो हार्ड डिस्क आती हैं जो नई आती हैं 7200 आरपीएम की आती है और जो भी आती है वो इसके मूव के हिसाब से आती है। आपका जो इतनी जितनी ये हेड ये जो प्लेटर है जितना जितना अपना आपका मूव करेगा उतनी ही जल्दी आपका डेटा रीड होता है ना दोस्तों। ये एक्चुअल में पार्टा हार्ड डिस्क पुरानी है इसलिए उसको टाइम लग रहा है, तो ये मैंने आपको लाइव दिखा के आपको इंटरनल जो आपकी हार्ड डिस्क है वो कैसे वर्क करती है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और दोस्तों मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई हार्ड डिस्क आपकी जैसे ख़राब हो गई है तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे। जैसे कि उसमें कई बार होता है कि हार्ड डिस्क आपकी पावर तो आ रही है लेकिन उसमें आवाज़ आना शुरू होती है, तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय भारत।